इनके बाद एक पंच को मारते हुए देखिए के बाद एक हाँ तो एक दूसरे को देखते हुए उस पर नजर रखते हुए पंच लगा मिला तो चूके जी हाँ देखिए बड़े ही सूझबूझ के साथ अपने पंच का इस्तेमाल करते हुए लेकिन किसी और के साथ मिक्स मत करना नहीं 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 मुझे बिजनेस क्लास नहीं चाहिए दो फर्स्ट क्लास की टिकट चाहिए तो समझ गया ना मुझे यकीन था और सुन भी जी ज्यादा समय से बचना है तो जो बोल रहा हूं करना हां सब करके जल्दी से मुझे बुला सही बात है ठीक है सुन कॉल रुक जा मैं बाद में कॉल करता हूं देखो ठीक है अच्छा सुन मुझे तेरे से अकेले में बात करनी है एक मिनट तुम लोग जाइए मैं आता हूं सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो किसी ने मुझे कॉल किया था एक हफ्ते में हमें अमेरिका में बुलाया हमें फर्स्ट क्लास टिकट्स वीजास सब कुछ आने वाला है एक हफ्ते में आ नहीं पाऊंगा क्यों मरीना की जन्मदिन है मजाक कर रहे हो क्या मुझे लगता है कि तुम समझ नहीं रहे हो उन्होंने हमें स्टेट्स में इनवाइट किया है ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं कोलिया तुम मेरी बात मानो इसमें बहुत पैसा है और मुझे माफ करना मरीना का बर्थडे हर साल आता है और तुम कभी भी उसको मना सकते हो लेकिन ये मौका एक बार मिलता है पूरी जिंदगी में एक बार मिलता है समझ में आ रहा है एक बार मिलता है अच्छा कोई सीक्रेट बात चल रही है अरे नहीं रे हमारे बीच में क्या सीक्रेट चलो होटल चलते हैं हमें खाना खाएंगे थोड़ी बातें बातें और हाँ मुझे कोलिया के साथ एक जरूरी बात करनी थी मैं आज बहुत थका हुआ हूँ कल मिलते हैं अच्छा तो कल बात करूँ मैं सुबह उठते ही मैं तुम्हें कॉल करता हूँ ठीक है कोलिया कोलिया लेकिन सुनो कल पक्का कॉल करना मेरी बात पे ध्यान देना मैं सच में कॉल करूँगा ठीक है ठीक है अच्छा चलो
मुझे लगता है मैं माउथ गार्ड छोड़ के आया। अभी उसकी क्या जरूरत है? गोरिया ने दिया था मुझे, मैं जल्दी लेके आता हूँ। जब दो मिनट कोलिंगा, तुम्हें मालूम है कि तुमने क्या किया है? अपने हाथों को देखो, इन्हें कुछ हो जाता तो? क्या तुम सब कुछ भूल गए? तुमने क्या अपने बारे में सोचा नहीं? तुमने क्या मेरे बारे में सोचा नहीं? क्या हमारे बारे में नहीं सोचा तुमने? तुम क्या पागल हो गए हो? कोलिया, क्या है? अवार्ड में कितना मिलने वाला है? पता नहीं, क्यों पूछ रही हो? बताओ तो सही। इतना पैसा मिलेगा कि मुझे थोड़े दिनों के लिए पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तो क्या तुम मेरे लिए एक तोहफा ला सकते हो? क्या तोहफा चाहिए तुम्हें? मैं अपने दोस्त के साथ एक प्रेजेंटेशन पे गई थी। वहाँ एक कार मुझे बहुत पसंद आया। जैसे ही मैंने वहाँ पे वो गाड़ी देखी तो मुझे लगा कि ये मेरा ही गाड़ी है। ये तुम्हारे लिए खरीद सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जानो। क्या ये चैंपियन अभी भी मुझ पर काबू पा सकता है? मेरे में अभी भी एनर्जी बाकी है। बेब, नीचे पुलिस वाले आए हैं। पुलिस वाले? हाँ, हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी आता हूँ। कुदीर सोनी कोले? हाँ जी। मैं हूँ चीफ इन्वेस्टिगेटर तोरिन सरगी अलेक्सीविच। आपको जुल्म में ठहराया गया है क्योंकि आपने शारीरिक हार्म पहुंचाया है। कल कंपटीशन के बाद आपने कुछ लोगों को चोट पहुंचाया है और उसमें से एक इंटेंसिव केयर में दाखिल किया हुआ है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप इनकार नहीं करेंगे। बेहतर ये होगा कि आप मेरे साथ चलें। तो चलने के लिए आप तैयार है ना? मेरे भाई से भी बढ़कर है। बस बस बस, अभी के लिए इतना काफी है। 3 साल के बाद तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। तुम भी उतना खास नहीं लग रहे हो। क्यों, जिम चल रहा है क्या? पहले घर चलते हैं, जिम बाद में चला जाऊंगा। पंच करना है, ये भूलना नहीं। अगर सीधे जाएगा तो। हेलो सर। हाय। हाँ, अपना काम करो, मैं अभी आता हूँ। हाय यार, कौन है? कोलिया, कैसा है मेरे भाई? कैसा है, कैसा है तू? बहुत दिन हुआ तुमसे मिलके। सही बोला, वक्त जल्दी निकल गया। अरे अंदर। हाँ, पहले मैं वादिक से बात करना चाहता हूँ। इस समय वो किधर होगा? हाँ, वो नीचे कहीं होगा, अभी गया। ठीक है, मैं मिलके आता हूँ, कुछ बात करनी है। एंड्रिक के बारे में इतना चिंता क्यों करते हो? स्पॉइलर के साथ एक फाइट ऑर्गेनाइज करते हैं ना? क्यों नहीं? कितने दिन वो जिम में ट्रेन करता रहेगा? एंड्रिक के साथ आज तक तूने एक भी स्पैरिंग नहीं ऑर्गेनाइज किया। तुम डरते हो है ना? ना।
अभी उसका वक्त नहीं आया। कब आने वाला ये वक्त? संजय क्या बुरा मत मानना, तुम्हें पता है कि चाइनीज लोग क्या कहते थे, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। देखते हैं, सोच के बताना। ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। बाय। बॉक्सिंग बेटिंग की रिपोर्ट्स आप देखना चाहते हैं? बॉक्सिंग बेटिंग की रिपोर्ट है क्या? ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तुम कमाल की हो लेज का। कैसे हो वादिक? यूलिया अभी तुम जा सकती हो। कोलिया मेरे भाई, बहुत साल हो गया तुझे मिले हुए, कैसे हो? ठीक हूँ, जेल से मुक्त हो गया। तो फिर क्या प्लान है बताओ मुझे। आपका टीम में वापस आना चाहता हूँ। मेरी टीम में? आपके बंदों के साथ ट्रेन करना चाहता हूँ, तब आप खुद देख लीजिए। पक्का ना? जी जरूर। चलो फिर से करते हैं, टाइम जा रहा है। यू छोड़ा बीच में, चलो दोबारा करो। तुम सो क्यों रहे हो? जाते रहो जाते रहो, जारी रखो जारी रखो। तुम्हारा सांस को बरकरार रखो, इसके बारे में मत भूलना। ये खत्म होने के लिए 2 मिनट और बाकी है, चलो चलो कॉन्सेंट्रेट करो, ऐसा मत रखो, डाइव करो। अरे यार एक ही पोजीशन में मत रहो, टाइप करो। अरे यार कोने में क्यों खड़ा है, एक ही जगह पे खड़ा मत रहो, एक्टिव रहो एक्टिव रहो। कर क्या रहे हो तुम? यहां से हटो, कोने में खड़ा मत रहो। बोलिया तुम गिर में हो, उस जगह से गिरो, कितना बार बताना है तुमको, यहां से आगे बढ़ो। जरा संभल के, बड़े अच्छी तरह कर रहे हो, आगे बढ़ो। हाँ फिर से करो। अरे वाह फर्स्ट क्लास, मस्त। यहाँ देखो सब ठीक है ना? तो फिर चलो जल्दी चलो, करो करो करो, थोड़ा और बाजू हट के करो। और थोड़ा स्टाइल बदलो, करते रहो करते रहो। तुमको कोई परेशानी है क्या? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो चलो खड़े खड़े सोने का नहीं, खड़े खड़े सोने का नहीं। अबे ऐसे करेंगे तो जीतेंगे नहीं, अपना मन और सोच को कंट्रोल करो। अरे कर क्या रहे हो, जागो जागो, उठो उठो, खड़ा हो जाओ खड़ा हो जाओ, और जोर से मारो। बोलिया अरे प्लीज अपना स्टाइल बदलो यार, तू सोते क्यों हो? हाँ ठीक है, अभी एक लेग किक मारो। अरे यार उठो यार जल्दी, लपक पड़ो जल्दी लपक पड़ो, कम ऑन। मैंने बताया ना उसको पहले तुमको पटकने दो। उठो 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 उठो, तुम चिंता मत करो, सब तेरा बस वापस आएगा। ध्यान से सुनो, अपनी अपनी जोड़ियां बदलो, बराबर बराबर मस्त। अब क्या, तुम्हें सब कुछ पता था, फिर भी अगर तुम चाहते हो कि मैं फाइट कराऊं तो मैं करवा सकता हूं, घबराने की कोई बात नहीं। बोलिया तुम अकलमंद हो, तुम्हें सब समझ लेना चाहिए। मिक्स मार्शल कंटेस्ट हारना और टेनिस का मैच हारना एक नहीं है, एक नॉकआउट में खत्म हो सकता है अगर भगवान की कृपा रही तो एक और। फोकस करो फोकस करो, अभी के लिए दुआ करते हैं और स्टाफ रूम चलते हैं। अरे फोकस करो, बाजू हटो, बाजू हट के करो। बोलिया लगेगा लग जाएगा।
तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर है ना, कॉल करना। क्या हुआ, तुझे जाने दिया कि तू भाग गया वहाँ से? उन्होंने मुझे जाने दिया, मुक्त हो गया। तू तो वहाँ से मुक्त हो गया, लोग का तो तुझे वहाँ पे अभी भी स्वागत करता है। अगर कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। हेलो कोलिया। हेलो। सुनो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम मत खड़ा कर देना। उस बात का 3 साल बीत गए हैं, हमारे रिलेशनशिप के बारे में मैं बात करना नहीं चाहता। तो क्या अब सब ठीक है? सब ठीक है। तो फिर मैं जाती हूँ। हेलो कोलिया। हे त्योमा। मुझे लग रहा था कौन यहाँ पे अंधेरे में घूम रहा है। कैसा है भाई? बहुत अच्छा हूँ। इधर कब से ठहरा है तू? मैं सोच रहा था कि जब से बोरिया गया है मुझे कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा, तो मैं अपने हाथों में चीज़ों को लेने लगा। मुझे लगा कि तुम्हें वैदिक वापस जाना चाहिए। चाहता तो हूँ मैं, लेकिन हो नहीं पाएगा। लेकिन ये तो हम सब के साथ आज कल होना ही है ना? देखो तुम्हें सब कुछ निकल जाएगा मेरे घर जाके। देखो, सुनने के लिए तो ये भी अच्छा लग रहा है। सब सही लग रहा है। एक और सन्या, बहुत अच्छे। थोड़ा दूर रह के मारो वे। क्यों नहीं, हमें लोका को लेना चाहिए। लोका? अरे हमें सानिया को लेना चाहिए, वो तो अच्छे से फाइट भी नहीं कर रहा है। हमें फाइटर की जरूरत नहीं है, बस हाथ और पैर हिलाना चाहिए, बस एक दो तीन और क्या। इस हालत में अगर ये पिट के अंदर जाएगा तो वो इसे मार डालेगा। तो क्या हुआ? तू तो मेडिकल स्कूल गया था ना, जरा चेक करना इसको। एक्चुअली मैं जानवरों का डॉक्टर था। उसमें क्या फर्क है, इंसान और जानवर में ज्यादा अंतर नहीं है, देख ले एक बार। शांत हो जाओ, ठीक है, लिगामेंट्स तो ठीक लग रहे हैं। और क्या? हाय ब्रो। हेलो। देखो एक लेटर आया है, गेम प्रेजेंट करने के लिए हमें बुलाया गया। कौन सा गेम? हाय, जब तुम वदीम के साथ काम कर रहा था जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट बना था जिसमें गेम डेवलपर को टूर्नामेंट पार्टिसिपेशन की इमेज यूज करने अलाउ किया था, उसने टॉमी और तुम्हारा पोर्ट्रेट भी बनाया। मैंने अपने आप को किसी कैरेक्टर की तरह एक गेम में नहीं देखा है। मैं देखूंगा। चलो तो फिर देखते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं। यूरेक, जरा इधर आना। जेंटलमैन, एक नया गेम कंसोल फायरबॉक्स और प्रोफेशनल लीग ऑफ एमएमए मिलकर पेश कर रहा है एक नया गेम जिसका नाम है ई फ्री फाइटिंग, और मुझे लगता है कि उसके लिए किसी तर्जमे की जरूरत नहीं है। और इस गेम शो में आएंगे प्रोटोटाइप्स जो कि रियल फाइटर्स होंगे और वर्ल्ड क्लास स्टार्स होंगे। मिगेल मालुटिन, मार्टियोम मानोवालो। बोलिए, आवाज नहीं आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, सच इसका आंद्रे प्लादोव, निकोलाय कुजनेत्सोव, हमारे खिलाड़ियों का स्वागत करते हैं यहाँ पे। निकोलाय स्मोलिन, इसमें तो पूरी तरह से हम ही जीतने वाले हैं। प्लॉटिकोव, तुमसे मिलने को इधर आया है, चलो जाके मिलते हैं। पर देखिए सब, हमें अब एक वर्चुअल बैटल दिखाई दे रहा है दो एब्सोल्यूट चैंपियंस के बीच में, जी हां, मेघालय और एटियोम के बीच में। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूं, सिंगर नटालिया व्लासोवा से, ये है निकोले हमारा चैंपियन। इन्हें कौन नहीं जानता। नाइस टू मीट यू। मैं आपको काफी सालों से फॉलो कर रही हूँ। सच में? हाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। टोनी टोरेस के साथ जो आपका फाइट था वो बहुत ही अच्छा था। हाँ, बिल्कुल सही। आप काफी स्ट्रॉन्ग और टफ थे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप हमेशा। हाँ, वो तो मैं हूँ। सच में फैंटास्टिक है। स्वागत किया जाए।
मैं आपको गाते हुए सुनना चाहूंगा। आप मेरे पार्टी में आइए, वहाँ म्यूजिशियन के साथ मेरा परफॉर्मेंस है, आप देख भी पाएंगे और सुन भी पाएंगे। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो। सुनना जरा, तुम्हारे पास 3,000 होंगे क्या? मुझे थोड़ी सी जरूरत है, प्लीज देना। तू फिर से हार गया? नहीं यार, लेकिन मुझे गेम खेलना ही नहीं, अगले 10 साल तक नहीं खेलूंगा, अभी देना। अरे चल ना, देना, हम जीत सकते हैं, चल चल ना, हम जीत सकते हैं। अभी अभी बस अभी आते हैं कि हमारे अगले चैंपियन के साथ लड़ने के लिए कौन तैयार होता है यहाँ पे। ओ देखिए यार, मैं लेके आया हूँ हमारा नया चैंपियन, हमारे सामने तैयार है। मारो मारो, थोड़ा जगह छोड़ के, अच्छा सा देखिए, स्ट्रेट सीधा मारिए, मुंह पे इसको, हाँ थोड़े मत, कुछ छोड़ना मत, आगे पीछे लगा के मुक्का चला दे, फिर से दोबारा पंच कर, मार, हाँ हाँ, रुकना नहीं, तोड़ता रहे, मार, ओह सही किया यार, देखो और कौन करना चाहेगा। मुझे आपसे बात करनी, थोड़ा व्यस्त हूँ, बाद में बात करूँ। हाँ तो कहाँ थी? और कौन लड़ना चाहेगा? अरे देखो आ रहा है, यहाँ यहाँ पे एक नया कंटेनर आ रहा है, नहीं नहीं मैं इसमें नहीं, जल्दबाजी मत करो। हाँ चल, ऐसे ऊपर एक और, हाँ सही खेल रहे हो बिल्कुल, हाँ ये थोड़ा सा अलग है, वर्चुअली थोड़ा सा अलग, हाँ मारो मारो, हाँ बट हाँ ये सही था, हाँ मेरा खेल अच्छा नहीं है, लेकिन मार तो पड़ती है, जी हाँ, आप चाहिए बना दी है, नया चैंपियन आज ही, कोई बात नहीं, अंतर होता है, चलो बुरा मत मानो, हेलो मेरी जान। हाय माँ, कैसे हैं? मैंने कहा था ना मुझे ऐसे ना बुलाएं। पहली बात मैं तुम्हारी माँ नहीं, दूसरी मैं इतनी बुढ़ी भी नहीं हूँ। और कितने बार मैंने तुमसे बोला है कि मेरी ट्रेनिंग के टाइम पे कॉल किया मत करो। मैं अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग गई थी, वो चाहे तो सब कुछ खरीद सकती थी, लेकिन मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया है। मैंने बैंक में कॉल किया तो वो कहते कि मेरे अकाउंट से पैसे निकाले गए थे। मैंने तुम्हारा एक दिन का लिमिट 300,000 रखा है। तो अब मैं क्या करूं? क्या मैं बिना खाए मरूं? वही चाहते हो क्या तुम? क्या मैं खाने के लिए रोटी भी नहीं खरीद सकती? ठीक है, मैं कार अनब्लॉक करता हूँ, जाके रोटी ले लेना। आप आए हमें बहुत खुशी, हमें तो लगा था कि शायद आप आएंगे नहीं, फिर भी मैं यहाँ हूँ। इनकी मिल में बहुत ही अच्छा स्टेक है, क्या मैं आपके लिए ऑर्डर कर दूँ? इनके पास अच्छा स्टेक्स नहीं होता, क्यों ना हम स्टेक साथ में खा लें? अगर तुमने ये डिश रेकमेंड किया है तो खुशी से खा लें। आपको पता है नताशा, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों रहती हो? क्या तुम इसे जानते हो? ये है किरिल। ये किरिल कौन है? ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड है। अच्छा तो सुनिए, हम इधर एक साथ डिनर कर रहे हैं, ड्रिंक भी लेंगे, आप ज्वाइन करना चाहोगे? क्यों नहीं, आपके स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने क्या किया? माफ कर दीजिएगा, गलती से हो गया। क्या मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, छोड़ दो ना। क्या हम मेरे घर जा सकते हैं? वहाँ पे ऐसा करने वाला कोई नहीं आएगा, और वैसे भी मेरा कुकिंग इधर का जितना बुरा नहीं है। ठीक है चलते हैं, आइए, यही मेरा घर है। काफी सुंदर है, विश्वास नहीं होता। मैं कपड़े बदल के आता हूँ, तुम आराम से बैठना, मैं जल्दी आऊंगा। ठीक है। किसी को जानते हो? मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, निकोले से, हमारा चैंपियन, और ये है अलेक्जेंडर, हमारा प्रमोटर। आपके बारे में सुना है,
आपसे मिलकर खुशी हुई। और मैं आपको फ्यूचर चैंपियन से मिलाता हूँ, ये है विक्टर। ये एक हिस्टोरिकल मीटिंग है, एक पुराना चैंपियन फ्यूचर चैंपियन से मिल रहा है। चलिए फिर हम निकलते हैं। आपको तो पता ही होगा एक चैंपियन बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है ना? ओह यस। मुझे निकोलोव के साथ एक फाइट चाहिए। कुट्रेओ के साथ मुमकिन ही नहीं है। इसमें कोई समस्या है? हाँ, बहुत ही बड़ी समस्या है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट है प्रोफेशनल फाइट लीग के साथ और हमारे हाथ बंधे हैं। तो मैं कोई फैसला नहीं कर सकता? अपना दिमाग इसमें मत लड़ाओ। प्रोफेशनल फाइट लीग के बिना तुम यहाँ लड़ ही नहीं सकते। अगर तुम्हें चोट लग गई और तुम्हारा नाम कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में नहीं है तो इतना फाइन डालेंगे कि तुम्हारे पास मेट्रो टिकट खरीदने के पैसे नहीं होंगे। एक बार फिर सोच लो। वादन, कोई भी कीमत में मुझे ये फाइट चाहिए। एंड्री कुरियोश के बारे में अभी मत सोचो, वो डूबा हुआ जहाज है। 3 महीने बाद आने वाली फाइट के बारे में सोचो, समझे? चैंपियनशिप टाइटल बेल्ट के लिए फाइट करो, फिर दिखाएंगे कि असली चैंपियन कैसा होता है, समझा? अरे क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। चल ये सब दिमाग से निकाल। हेलो हेलो, ये जो बंदे को जो कीच को ले गया ना, वो कौन है? वो यहाँ का भविष्य का चैंपियन है, लेकिन अभी तक उसका भविष्य नहीं है। तुमको क्या चाहिए? वैसे तो मेरे को वर्कआउट करना था, मैं एक चैंपियन बनने का सपना देख रहा हूँ। अच्छा, इनके जैसे? नहीं, इनके जैसे नहीं। ओ, तब ठीक है। कोलिया, एक अच्छी खबर है, क्या एक और बंदा है जो चैंपियन बनना चाहता है। हेलो, तुम एक दूसरे को जानते हो क्या? बढ़िया है। हाँ नहीं, यहाँ माफी मारने के लिए आया हूँ। ये एक अच्छी शुरुआत है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मैक्स। मैं अपना पुराना सब भूलने का कोशिश में हूँ। मुझे अपने ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना है। मेरे को स्पोर्ट्स के सिवा कुछ आता नहीं है। मैं तुम लोगों के साथ वर्कआउट करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना मज़ेदार बात, तो आप लोग कहाँ मिले थे? वो एक टाइम की बात है। वो सब पुरानी बातें। अपने जूते उतार के रख दो। अच्छा ठीक है। तुम्हारा बाहर का बूट यहाँ नहीं पहनना। मैक्स, निकोलाय, मैक्स कपड़े बदल के आना। एक स्ट्रोक क्यों हार जाता है तू? मैं स्ट्रोक हार नहीं रहा हूँ, मैं पंच के साथ रोल कर रहा हूँ। ऐसे पंचस रोल नहीं कर सकता है, समझा कर। हमारे सिर एक जैसे हैं, उसी वजह से मैं कह रहा हूँ पुल अ पंच, सिर्फ एक बैंग और फिर नॉकआउट। चल मार मुझे, देख मैं कैसे डक कर रहा हूँ। ऐसे ही तुम्हारे पंचस मैं मिस करूँगा। बच्चे, तुम्हें एक बात समझनी चाहिए, बॉक्सिंग जो है एक मार्शल आर्ट है। आर्ट तो थिएटर में होता है भाई, ये जिंदगी है, समझ में आया? और तुम्हारा बच्चा कहाँ है तुमको पता है ना? चल चल मैक्स, काम पे ध्यान देते हैं। मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ, पहले तुम मेरे सर पे ठीक से पंच कर लो। देख मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारा पंच देखते ही मैं सर दूर कर देता हूँ। देखा तुमने, एक ही जगह अगर तुम खड़े रहोगे पंच सीधा मुंह पे आएगा और नॉकआउट हो जाओगे। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि पुलिंग अ पंच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉ की तरफ पंच आएगा तो भी तुम ऐसे शोल्डर को हिला सकते हो और फिर वापस पंच कर सकते हो, समझ गया ना? ऐसे ऐसे पुल आउट करते हैं। हाँ वही करना, ठीक है? हाँ समझ गया, अब इसके साथ काम करना। एक बार ट्राई करके देखना। कैसा है? बहुत ही अच्छा है, जरूर आप बहुत ही अच्छा हस्बैंड बन सकते हैं। देखो मैं समझता हूँ कि एक आदमी को 90 साल तक शादी कर लेनी चाहिए, तब तक एंजॉय करना। सुनो तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग प्रोफेशनल्स हो कि नहीं? करने के पहले सोचना था ना, प्रोफेशनल्स बनना इतना आसान नहीं है। आपका भविष्य का चैंपियन ऐसा लगता है कि वो काफी नहीं है, आप उनको एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। उसने जाके सर्जन से बात किया है, खामखा बोलने के लिए पागल हो क्या मैं? और उसको एक साइकेट्रिस्ट भी दिखाइए। मैं यहाँ पंगा ठीक करने के लिए नहीं आया हूँ, पर तुम लोगों को समझाने के लिए आया हूँ कि इसके आगे मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, समझे? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, समझ लेना, और आगे से ऐसे कोई हरकत मत करना। जिस पोजीशन में मैं अभी फंसा हूँ, अगर इस पोजीशन में तुम लोग फंसोगे ना, मैं ऐसा चांस मिस भी नहीं करूंगा। अगर टांगे क्रॉस किया हुआ है तो फिर तुम्हें ऐसा करना चाहिए। फिर उसको एस्केप कर सकते हो।
बहुत अच्छा किया, ब्रावो। थैंक यू गाइस, लेट्स वर्क आउट। तुम लोग अस क्यों रहे? कालिया, एक मिनट तुमसे बात करना है। वो हमें इनवाइट कर रहे हैं एक नए कॉम्बैट में शामिल होने के लिए। एक टीम फाइट है। ये क्या फाइट है? ये एक नए किस्म का कॉम्बैट है, इसको स्पार्टा बोलते हैं। ये एक पतले केज में होता है, 2/10 का। इसको थर्मा पहले के नाम से जाना जाता है। कुछ तो नया है। हाँ एकदम, उनका अपने रूल्स है। 4 जोनों से बना 8 टीम होता है उधर। और ये एक नॉकआउट सिस्टम है, जैसे ही फाइटर जमीन को छूता है वो आउट हो जाता है। आप चाहे तो इस खेल में पंच कर सकते हैं लेकिन रेसलिंग नहीं कर सकते। तो अब उन्हें याद आया कि बॉक्सिंग के बारे में है सब कुछ यहाँ पे। हमें 4 जन की एक टीम बनानी पड़ेगी। एक तो तू है, फिर ये और मैं। ठीक है दोस्त, मैं चौथा रहूंगा। होगा लेकिन मेरे बिना होगा, ठीक है ना? आपको मेरे को कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छा सुनो, जो मैंने बोला था खत्म नहीं किया। वो एक अच्छा अवार्ड भी दे रहे हैं और हम अपना फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा एक बात मालूम है, मैं शेर से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ अगर कोई मेरे को पैसा दे रहा हो तो। मैक्स जस्ट काम डाउन। क्या तुमने लेटेस्ट न्यूज देखा? कौन सा न्यूज? नहीं देखा? कोलिया ने विक्टर के टांगे तोड़ दी। स्टेट्स में होने वाले मिक्स मार्शल आर्ट्स में यही आदमी तुम्हारे अगेंस्ट खेलने जा रहा है। कहां से मिलता है ऐसा न्यूज? न्यूज़पेपर में पढ़ा। तुम कुदरत शो पे इतना इंटरेस्ट क्यों हो? मैंने बस सोचा। तू सोच भी लेती है? तो ठीक है, तुमसे बात करने के मूड में नहीं। सही तरह से कहना होगा, ये एक टीम चैंपियनशिप है, जिसका मतलब है कोई एक मिक्स मार्शल आर्टिस्ट फाइट नहीं। सुन रही हो फाइट। ये फाइट शुरू हो गई है। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको देखिए स्ट्रेस लेना पड़ेगा यहाँ पे। ऊपर मीटर में काम, देखिए पूरी तरह देखिए यहाँ पे नजर हटी लगेगी, यहाँ पे देर लगेगी और देर नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से फाइट आप होते हुए का सामना कोई नहीं कर पाता। कहना चाहता हूँ कि
शैतान का इससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे हमेशा से पता था। एंड्रयू को कितने के लिए आप दांव पे चढ़ाया? क्या एंड्रयू को कितना पाव पे चढ़ाया? क्या गेम खेली है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये है स्पार्टा लाइन। क्या बेवकूफी, हटो 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 रास्ते से। क्योंकि ये स्पार्टा है। जी हाँ, एक और नई दुनिया लाएगी पूरी तरह से। नहीं हाँ बिल्कुल हाँ, एक के बाद एक दूसरों के बौछार हो रहे हैं। कितने जल्दी अपने प्रतियोगी को जमीन में लाए। यहाँ ये जीत है बिल्कुल पूरी तरह से, एक दूसरे को बधाई देते हुए। और एक नया प्रतिद्वंदी अभी सामने, ऊपर नीचे दबा मारा एक थोड़ी पंचेस को रखते हुए पावरफुल बहुत ही शानदार
उस बात में तो आपको कहना पड़ेगा बहुत ही अजीब सी बात हुई है, हैरान कर देने वाली। We'll be right back.
हाथों का जबड़ा टूट गया। क्या वो मिक्स मार्शल आर्ट में अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर पाएगा क्या? लेकिन मेरे को पूरी तरह यकीन है कि वो कहीं नहीं जा पाएंगे, लेकिन निकोलाय कुजनेशोव जाएंगे जरूर लास वेगास। निकोलाय कुजनेशोव लास वेगास जाएंगे ब्लैक टाइगर्स के साथ। यह देखना ना भूलिएगा, उनको पूरी तरह लास वेगास में बोल जाएंगे। यह है फन। अरे कहाँ थे यार, कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा तुम लोगों का? चलो चलो जल्दी करो। कमाल का है यार, पेंटिंग्स देखेंगे हेरिटेज कलेक्शंस की, सब फ्री। देखो देखो फ्री। हाँ हाँ, लास वेगास शहर के असली कला देखते हैं।